हम बच्चों को क्लासेस तो दे रहे हैं, एक एक क्लास में 10-10, 12-12 कंसेप्ट, 10-10, 12-12 ट्रिक्स पढ़ा रहे हैं, ये मुझे ना इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा। बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा भी देना चाहिए, आप क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही कुछ सोचता हूँ कि बच्चा अगर ट्रैवलिंग भी कर रहा है, मेट्रो में है या बस में है, तो कोई ना कोई कुछ उसका टाइम यूज़ हो जाए, कोई ऐसी शॉर्ट वीडियो होनी चाहिए। तो सर ऐसा करें क्या हम कि एक रूल बच्चे को इंग्लिश का रोज़ पढ़ा लें और एक रूल बच्चे को मैथ्स का रोज़ पढ़ा लें, और रोज़ रेगुलर बेसिस, चाहे सैटरडे हो, चाहे संडे हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, कि बच्चे को ये रूल मिले ही मिले। हाँ सही बात है, बिल्कुल। और अगर 3-4 महीने तक बच्चा एक एक रूल करता जाएगा तो उसका पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा एग्जाम से तो पहले। इसको हम प्लान करते हैं अर्ली मॉर्निंग। हाँ, ताकि अगर बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत हो तो हमारे साथ। हाँ एकदम सही बात, और आई थिंक बच्चे 7 बजे तक तो उठ जाते होंगे, जब हम टीचर्स 5 बजे उठ जाते हैं तो बच्चे 7 बजे नॉर्मल टाइम में 7 बजे का रख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो मेरे को ध्यान मतलब मैं सोच भी रहा हूँ कि इस शो का नाम गुड मॉर्निंग विद मी रख लें। गुड मॉर्निंग तो सर समझ में आ रहा है, मी कैसे, हम तो अस हैं, दो लोग हैं। अगर इंग्लिश की बात करूँ तो मी स्टैंड्स फॉर ME, मैथ्स एंड इंग्लिश। वाओ सर, व्हाट अ वंडरफुल नेम, मतलब एकदम बढ़िया, मैथ्स और इंग्लिश, है ना। एक एक रूल होगा मैथ्स का, एक रूल होगा, 3-4 महीने तक बच्चे के पूरे सारे के सारे रूल्स और कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे, बिल्कुल, है ना सर। लेकिन इसको करेंगे रेगुलरली, मतलब एक भी दिन मिस नहीं करेंगे, मंडे टू मंडे, राइट, मतलब कोई मंडे टू फ्राइडे नहीं, कोई मंडे टू सैटरडे, मंडे टू मंडे। स्टूडेंट्स की लाइफ में कोई भी छुट्टी नहीं, कोई भी छुट्टी नहीं होती, तो इसे रोज करेंगे, 7 बजे हम बच्चों को रूल्स पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। यू विल मीट अस एवरी डे एट 7 AM।